न्यूज तक का परिवार यूट्यूब पर अब 1 करोड़ के पार, आपका बहुत बहुत आभार। हमें ना सिखाए, आपने किसानों का शोषण किया, नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं उसको जोड़ कर 3600 देंगे। धान खरीदे में केंद्र सरकार का कोई योगदान नहीं, कितना झूठ बोरा झूठ। छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन करने का दावा करने वाली बीजेपी इन दिनों परिवर्तन यात्रा निकालकर छत्तीसगढ़ दौरा कर रही है। इसी कड़ी में गरियाबंद जिले में हुए परिवर्तन यात्रा के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस सरकार को पूरी तरह भ्रष्ट बताते हुए कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे को आड़े हाथों लिया। उन्होंने धान खरीदी को लेकर कांग्रेस पर क्या आरोप लगाए, पहले ये सुनिए। रविन्द्र चौबे जी, किसानों की तरक्की और बेहतरी के लिए क्या काम हो सकता है, हमें ना सिखाएं। आपने किसानों का शोषण किया तो आज जो सिस्टम बना है धान खरीदी का, वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। और अभी भी आपने किसानों के साथ अन्याय किया है। और 3600 की बात कर रहे हो, राज्य सरकार कितना देती है ये तो बताओ, अपना बताओ ना। नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं उसको जोड़कर 3600 देंगे, आप कितना दे रहे हो, राज्य सरकार कितना दे रही है। कल ही एक झूठा बयान देखा मैंने कांग्रेस का, धान खरीदी में केंद्र सरकार का कोई योगदान नहीं, इतना झूठ कोरा झूठ। ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा, मिलिंग का खर्चा, टूटक का खर्चा, सुखद का खर्चा, और इवन बारदाना और सुतली तक का पैसा भारत सरकार दे, समर्थन मूल्य के अलावा। बता दें, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने अपने एक बयान में बीजेपी को किसानों की समझ नहीं है कहा था, जिसके बाद अरुण साव ने कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के उस बयान पर पलटवार किया है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। गरियाबंद से राहुल ठाकुर की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ तक।